ओके, व्हाट्स अप। हेलो साना मैम, हाउ आर यू? हे हाय अमिता, वेलकम 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 टू मंडे फंडे स्पेशल सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस दिवाली स्पेशल सेशन, जहां पे यू आर हियर विद अस टू सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द यंग वंडर्स, हैप्पी दिवाली फ्रॉम बोथ ऑफ हैप्पी अस। दिवाली मैम भी। हाय पर लेकिन मैम, आज का दिन तो बहुत धमाल है। मतलब पहली बात तो सना मैम के साथ सेशन है, ऊपर से मंडे फंडे जो इतना यस मेगा इट हुआ है। ओ माय गुडनेस। ठीक है, ओ सो गॉड, मतलब लॉट्स ऑफ फन थिंग्स हो रही है तो, एंड ऊपर से आज का दिन धमाल होगा। बनता यस डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, दिवाली है तो धमाका तो बनता ही ही है कि बनता नहीं ही। बच्चों? एंड हु एल्स इज बेटर देन अमित सर, जिनके साथ हम इतनी सारी मस्ती कर सकते हैं एंड और जिनके साथ पोपट कर सबसे सकते ज्यादा हैं उनका मजा आता है, लाइक वन बेसिक ऑफ माय फेवरेट वेदन, जिसके साथ मुझे बहुत मजा आता है। एंड ही द नाइसेस्ट नाइसेस्ट, वन ऑफ द मतलब नाइसेस्ट पीपल बेसिकली आई हैव मैं देख सीन। लो भाई, मैं गिनी पिग हूँ, मैं एक पंचिंग बैग हूँ अरे मैं एक्सपेरिमेंटर हूँ, सब मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं सारी चीजें। कर लो कर ओह लो। गॉड, व्हाई? नो सर, नो, यू आर सो नाइस। लाइक आई, ऑल राइट सर, सो आर यू रेडी फॉर मंडे फंडे? लाइक आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? वी आर गोइंग पर टू प्ले हाँ, आज का दिन क्या होगा मैम, प्रैंक क्योंकि टुडे। आप हमेशा अलग अलग करते हो ना। यस, एवरी मंडे समथिंग डिफरेंट। हाँ और जी, आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल हैंगमैन। सो हाउ इज इट गोइंग टू बी दिवाली स्पेशल? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू आस्क यू वर्ड्स रिलेटेड टू दिवाली ओनली, एंड यू हैव टू गेस दोज वर्ड्स, ऑफ कोर्स इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर अवर ग्रेटेस्ट इंग्लिश टीचर ऑफ वेदांतु। मतलब इससे ऑफ प्रेशर कोर्स और बढ़ गाइस, गया बच्चों। देख लो अभी प्रेशर मतलब गुड आसमान तक छू रहा है। गुड, ऑल राइट। सो यस सर, टुडे वी आर गोइंग टू हैव हैंगमैन चैलेंज, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू सेव द हैंगमैन फ्रॉम ओ बीइंग हैंग। नो, मैं खुद ही हैंग होने वाला हूँ, मेरे को उसका डर लग रहा है। नो नो, नॉट एट ऑल। सो गाइस, जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पर न्यू हैं, तो हर मंडे आपको मंडे फंडे स्पेशल सीरीज में कुछ बहुत ही फन करने को मिलेगा अलॉन्ग विथ योर स्टडीज। एंड ऑफ कोर्स हर मंडे को वी डू समथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज ओनली, सो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती एक साथ हो रही है, ठीक है? ऑल राइट, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड यस, हमारे स्पेशल अमित सर के लिए हिट ऑन द लाइक बटन। आई जल्दी नो वो जल्दी करो मेरी तरह यार, आपके भी सारे फेवरेट फ्रेंड्स हैं। को बुलाओ एंड मेरे को आज हेल्प लगेगी, यस क्योंकि सना मैम ने भी प्रॉमिस किया। वैसे तो हेल्प करेंगी होपफुली होपफुली। देखो सना मैम इज वन ऑफ द यस कूल मैथ्स टीचर। सना मैम डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करने वालों में से। सना मैम हैशटैग बट फीलिंग्स, ठीक है ना, ऐसे मत करो यार। और आपके ओ गॉड, हिंट्स हमने आई नो ऑल दिस, ये तारीफें क्यों हो रही है? जस्ट जस्ट सो दैट आई गिव यू हिंट्स। इट्स ओके, इट्स ओके सर, ठीक है, हिंट तो बच्चे भी बनता है मैम, जानते हिंट। हैं। हाँ हिंट तो बनता है, वरना बच्चे की जान। ऐसे टाइप्स की हालत हो रही है तो आप प्लीज जरा। हाँ जी अरे नहीं सर। सो गाइस, आज हैंगमैन में आपको दिवाली रिलेटेड वर्ड्स गेस करने हैं। 100% दिवाली से रिलेटेड होंगे वो वर्ड्स, ऑफ कोर्स इंग्लिश वर्ड्स होंगे। एंड 6 रॉन्ग गेसेस के आपको चांसेस मिलेंगे। वन बाय वन अल्फाबेटिकल लेटर्स का आप नाम ले सकते हो ना। आई विल टेल यू कि वेयर दैट लेटर इज इन द वर्ड और इफ इट इज नॉट इन द वर्ड, दैट्स द रूल फॉर द स्टूडेंट्स। अमित सर ने तो खेला ही होगा हैंगमैन, इवन आई एम श्योर बच्चों ने भी खेला होगा हैंगमैन। ऐसे नहीं एंड खेला है या हमने ये, ऐसे ये लाइफ लाइन ऐसे नहीं होती थी कभी भी। हाँ, हेलो, ऐसा वाला कहीं नहीं खेला होगा। ये तो सिर्फ यंग वंडर्स से ही मिलेगा आपको स्पेशल ये हैंगमैन। खाली सना मैम से तो मिलेगा ऐसे। सी सर, मैं बहुत दयालु हूँ सर, देखो आप आप अभी हो, कह ही आप रहे हो थे मैं नहीं, आप हो। कितनी सना अच्छी मैम हूँ, तो है, सना मैम को ना जेन्युइनली रिक्वेस्ट करो ना, सुनती है सना मैम। मैं बच्चों आपको, बच्चों बोल रही हूँ मैं सर, आपको हिंट पक्का दूंगी, बट हाँ उसके उसके बदले आपको हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग और यू हैव टू प्रैंक कॉल समवन और इमिटेट अ बॉलीवुड डायलॉग फॉर अस, ठीक है सर? ठीक है। तो अभी सारे बच्चे जानते हैं सना मैम आप गाने बहुत अच्छे गाती हो, ठीक है। तो सुनो सुनो, और हम तो कभी गाते ही नहीं इसको क्योंकि हम खाली चिल्लाते हैं लिटरली। मेरे सेशन में आके देखो मैं बहुत चिल्लाता हूँ। तो मैम गाना ना अगर हुआ ना तो आप एक वैसे भी सुना देना। दिवाली नो स्पेशल तो बनता है, नो दिवाली नो नो स्पेशल तो नो बनता नो है। नो, कि आई एम द बच्चों, होस्ट कितने इन दिस बच्चों सुनना दोस्त, चाहते हैं डोंट सना यू वरी मैम डियर। को, सना मैम को लाइव ना ना, चैट में ये फायर सब नहीं इमोजी होने वाला भेजो। बच्चों। देखो आप लोगों को नजर रखनी है कि अमित सर जो है ना, ऐसे बच के निकलना जाए साइड से, ठीक है? तो आपको बिल्कुल फोर्सफुली उनसे करवाना है हिंट्स के लिए। ओके, ऑल राइट। सो सर, आर यू रेडी टू हेल्प द हैंगमैन? नॉट रियली बट यस ओके, शुरू यस, करते हैं। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वर्ड मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल आसान सा रखा है, 4 लेटर वर्ड है सर, एब्सोल्युटली इजी, एंड यू कैन स्टार्ट गेसिंग विद एनी लेटर्स प्रेजेंट ओवर हियर। तो मैम शुरू करने से पहले ऐसे ही बोल, खाली 4 अक्षर ही है तो आप मतलब एक ब्रॉड सा हिंट दे दो कि मैम ये दिवाली में
अभी देखो दिवाली में यूज होता है बिकॉज हैप्पी दिवाली है. मैम कौन सी कैटेगरी में आता है कुछ तो बताओ ना मैम, मजा आएगा, बच्चे भी क्या गेस कर पाएंगे. सर एटलीस्ट एक लेटर गेस तो आपको लेना ही पड़ेगा, देन आई विल अच्छा थिंक ऑफ गिव. तो एक काम करेंगे मैम, अभी आपको ना ब्लिंक करना है ठीक है, आपको बताना नहीं, आपको खाली ब्लिंक, इज इट रिलेटेड, मैं आपको पूछूंगा कैटेगरीज, अगर आप ब्लिंक करोगे मतलब आंसर इज यस, इज इट अमित रिलेटेड सर से कोई टू जीत ही नहीं सकता है, यू कैन ओफो. नॉट विन हिम ओवर एनी आर्ग्यूमेंट सर, अच्छा ही विल. ए ए ए हाँ है वो भी लास्ट में, मुझे नहीं पता लास्ट में ए कहाँ से आता है यार. मैं भी टेक्स 5 more chances आ देना, अभी 6 chances है आपके पास रॉन्ग करने के. इंग्लिश है कि हिंदी वर्ड है ये तो बता सकते. इंग्लिश आई थिंक इट इज कॉल्ड सेम थिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, क्वाइट सिमिलर. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लाइक प्रोमिनेंटली हिंदी नाम ही यही है उसका, और दिवाली में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है सर दिस 4 letter word. एल एल इज नॉट आई आई न्यू दैट, आई न्यू दैट. अभी से अभी शुरू हो गया, अभी टॉर्चर, हे भगवान, अभी समझ में नहीं आएगा हमको. देयर. और आई कैन इमेजिन बच्चे लाइव चैट में तो क्या अल्फाबेट स्पैम कर रहे होंगे, बाप रे. बट कम ऑन मैम गाइस, कम ऑन जल्दी से आप लोग गेस करो वर्ड या फिर गेस करो लेटर राइट अवे एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर करेक्टली. अच्छा दिवाली में प्रोमिनेंट है मतलब घरों में होता है, मार्केट में हाँ होता घरों है, में होता है, होता है. बहुत हेल्प हो रही है, बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प हो रही है अरे मैं घरों हर चीज का मतलब. आंसर दे रही हूँ सर आपको, बताओ. चलो आई डोंट नो, एस देखा उप्स इट्स नॉट देयर. ये हिंदी नाम भी है उसका सर, लाइक वी कॉल इट द सेम इन हिंदी आल्सो. मतलब हिंदी ही ओवर होगा. प्रोमिनेंट है, मतलब दिवाली इज ऑल अबाउट दिस, इट्स सो मच देयर इन दीपावली ऑल्सो. खाने की चीज है आप नहीं बोल रहे हो, मतलब खाने की चीज नहीं है कि ऐसे बोल रहे हो कि मैं नहीं नहीं बताऊंगी टाइप्स. खाने की चीज नहीं है. ओ गॉड मेरे को आ जाती थी वरना, हमें तो कोई हमें पता ही नहीं है. पी 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 फॉर पैरेट, देखा सॉरी देखा सर, देखा इट इज देयर इन दीपावली, दैट्स अ वेरी बिग हिंट सर, इट इज देयर इन दीपावली. अच्छा लाइक अभी एक सेकेंड मैम, अभी अगर हम हिंट मांगेंगे तो आपको हमें अच्छा हिंट देना पड़ेगा ठीक है ना, मतलब कुछ हाँ हाँ जैसे हमारी हेल्प हो जाए ठीक है. तो चलो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, वन ऑफ द थ्री ना, सिंग अ तो सॉन्ग, टेल अस अ बॉलीवुड डायलॉग या प्रैंक कॉल समवन. हाँ तो बॉलीवुड डायलॉग एंड सिंस अभी पुष्पा आई हुई है तो पुष्पा कभी भी झुकेगा नहीं, दैट्स ऑल, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर ठीक है ना, प्लीज हेलो. सो अभी बताओ थ्री वर्ड्स है. डायलॉग झुकेगा नहीं ओ वैसे गॉड डायलॉग. ये तो चीटिंग है यार. ओ बैड, ठीक है आपको हिंट भी वैसा ही मिलेगा, एकदम छोटा सा देखा तीन देखा वर्ड्स का. दिवाली इज इनकम्प्लीट दिवाली इज विदाउट. इनकम्प्लीट विदाउट हाँ लाइटिंग देम. डी डी थैंक गॉड, सी ये इंग्लिश यस और हिंदी यस दोनों है, दोनों है, हाँ आई हाँ हद सर. है कुछ भी मैम, आई बाय. यस वेल डन अमित जितना सर, छोटा सेम. वर्ड ना उतना कॉम्प्लेक्स होता है पता है एक्चुअली. हाँ नंबर ऑफ लेटर्स ना बहुत लिमिटेड हो जाते हैं ना, लाइक नो रिपीटेशन एट ऑल, तो काफी करेक्ट कम आइडिया लगता है. कोई बात नहीं सर, इसके लिए हम आपको एक बड़ा सा वर्ड देते हैं, आप बोलो क्यों और वो विश पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यू से व्हाट यू वांट सर, ये तो क्या लीजिए. है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. एंड अगेन दिस इज समथिंग विच इज देयर, मतलब भर भर के दिवाली में यू यू विल जस्ट हैव इट अ लॉट. चलो भाई ए हाँ अब मुझे भी इसके लिए थोड़ा वो करना पड़ेगा, बड़ा वर्ड है तो कहाँ कहाँ पे ए आएगा. ओ एक ही जगह ए आता है, ओ दैट्स बैड. अच्छा वर्ड बता दो मैं आपको स्पेलिंग बताता हूँ. हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी बताती हूँ सर. 6 wrong ऐसे इसके बाद. एस एस नो, एस इज नॉट देयर. ई ई इज देयर इन फैक्ट.
हे हाँ भगवान। मैम देखो आज हैप्पी दिवाली है, सारे बच्चे सब खुश है, खुशहाली छाई हुई है। मैं भी बहुत आप खुश हूँ गाए यार, अमित सर का बता रहा टेस्ट है। एग्जाम ले अरे रहे हो। अच्छा बताओ ना, अच्छा कौन सी कैटेगरी में, कि बताओ थोड़ा फन फन करते हैं। इज इट पर्टेनिंग टू ईटिंग, डेकोरेशन, पूजा अच्छा, में, आई विल पूजा? टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल गिव यू हिंट सर। इट इज नीदर फूड नॉर डेकोरेशन, दैट्स द हिंट। ना मैम, आप ऐसे तो नाचे, ऐसे कब से हो गए हो यही है सर आज यार? का हिंट, ना तो फूड है ना तो वो डेकोरेशन है। अब बताओ सर, पूजा में यूज होता है। अब हो गया सर, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स नो मोर। चलो अभी 5 और रॉन्ग गेसेस है सर आपके पास, ये आप ऐसे ही लीजिए। बोलते रहो, एक सेकंड, मेरा एक ना। अच्छा हाँ, ऐसे हो हाँ गया। एम देखा, बस ऐसे ही बोलते जाओ सर, लेटर्स टेल अस पी लेटर्स। पी पी, सॉरी देखा देखा नॉट देखा देयर। आर हाँ दैट्स अ गुड गेस। और एक और जगह है, हाँ 3 आर्स। यस एच एच तो नहीं है। ओके 2 रॉन्ग गेसेस लेफ्ट। हिंट 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 हिंट, इस बार गाना गाना पड़ेगा सर इस आपको। बार गाने में आपको पता है सना मैम। वैसे सना मैम पंजाबी गाने, लेकिन वाई नो आपको, नो पर नो 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 नो, सना वी आर मैम नॉट सुनो ना, सुनो ना मैम, मैम मैम एक कुछ मिसिंग। उर्दू में भी तो गा के नो सुनाओ ना मैम, कम नो ऑन। बच्चों की ये कब से रिक्वेस्ट थी आपका? आस्क मी एनीथिंग के बाद दूसरा कभी ऐसा आया ही नहीं, दिस इज नो नॉट नो फेयर। नोबडी इज लिसनिंग, नो 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 नो। अमित सर प्लीज, अच्छा ठीक वन है, एक सुनो सॉन्ग सुनो, एक काम करते हैं, आप कुछ उर्दू में सुनाओ, मैं हिंदी में सुनाऊंगा, प्रॉमिस 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 उर्दू प्रॉमिस। में, मुझे वो चाहता ही नहीं है सर, मैं क्या ओफो, सुनाऊँ कुछ तो आएगा ना मैम, कोशिश कीजिए, कम नहीं ऑन, सर कुछ नहीं आता सर तो मुझे, कुछ पंजाबी नहीं में सुना आता। दो यार। नो नो, अरे सर यू, आई एम द होस्ट, यू हैव टू गिव द अरे हिंट, कम ऑन सर। मैम, ये दिवाली में बहुत कॉमन होता भी है कि नहीं? बहुत कॉमन, लाइक इतना कॉमन कि आप वर्ड देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे सर। हे अच्छा चलो भगवान, एक और गेस ले लो सर, अब तो हिंट के बाद तो आप बता ही दोगे, दैट्स वेरी इजी। नहीं अरे मुझे क्या मुझे एक और वाउल्स, मेरे को वो करने को भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट्स वन। नहीं? Oh सेकेंड, ये सब डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो होंगे नहीं, वी नहीं, टी 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 गॉड इट्स नॉट देयर हाँ तो सर, सुनो, मैंने आई टी अरे बोला नहीं, मैंने आपको खाली ऐसे करके दिखाया, मैंने आपको, अरे सुनो ना, ये अन ओ गॉड, मैंने आपको ऐसे करके चीटर दिखाया कि तो टी, मैं ऐसे नो, सोच रहा हूँ टी हो चीटर सकता है चीटर क्या? चीटर। मैम अभी देखो एक ही बचा है ना मेरा। यस ओ नो मैम, चलो अभी गाना शुरू करते हैं, गाओ। ठीक है, यस प्लीज सर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप गाओ, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाऊंगा, मेरे को सर अकेले गाने को बहुत डर लगता माइक है इज मैम। हियर, प्लीज बिहेव। मेरे को कोई डायलॉग भी याद नहीं आ रहा है अभी, कौन सा डायलॉग? हाँ मेरे को डायलॉग, मैं डायलॉग मारूंगा, ठीक है, यार डायलॉग इज, चीटिंग है ये, यस डायलॉग इज, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, किसका डायलॉग है इसे, टाइटैनिक का। क्यों कब बोलता है मैं ये? क्यों बॉलीवुड के डायलॉग मारू, मेरे को नहीं मारा, इंग्लिश टीचर हूं, मैंने मार दिया डायलॉग। अभी ओह हिंट अच्छा नहीं गॉड, हुआ ना मैम, हम देख लो फिर, एटलीस्ट फीलिंग तो लाते सर, दैट वाज सो बैड, बिकॉज आई एम नॉट द किंग चीटिंग है राइट नाउ। यार। अलाउड एक्सप्लोजिव, ए भगवान, कौन सा लाउड एक्सप्लोजिव फायरवर्क है? लक्ष्मी बॉम्ब हमको पता है मैम, हम बड़े देसी है यार, ये वो भी नहीं है। अरे इट इज लक्ष्मी बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ इट, लाइक हिंट देखने के बाद तो यू बट कैन टेल हाँ, सर, इट्स नॉट इवन क्रैकर, व्हाई नॉट। इट्स अ टाइप ऑफ अ क्रैकर, राइट? लाउड एक्सप्लोजिव, यू शुड, द हिंट सेज एवरीथिंग सर, मतलब इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स लाइक जो भी आप यूज करते हैं उसका इंग्लिश वर्ड गेस करिए।
आई नो वर्ड देखने के बाद यू आर गोइंग एफ एफ यस दैट इज नॉट अ इट वर्ड बाय द वे, इट्स सच आई व्हाट इट इज नाउ यू नो द वर्ड आई इट सी कुछ भी क्रैकर कुछ फायरक्रैकर क्या कुछ भी करूं मैम, ये क्या है यार अजीब है यार व्हाट फायर क्रैकर्स या पटाखे को क्या बोलते हैं सर, ओहो फायर मुझे तो क्रैकर। इतनी इंग्लिश आती है पर सर कि देखो पटाखे मतलब को भी देख लो फायर मैम आप कहां से कहां जा रहे हो, क्या था वो दिया, दिया से लिखे फायर क्रैकर, अभी तो मतलब मेरे गिवअप में सारे बाल झड़ जाएंगे। अच्छा नहीं सर यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कम ऑन सर, दिस इज एन इसको इजी इसको इंग्लिश वर्ड, इसको फन करते हैं ना मैम, थोड़ा फन हिंट तो दो, एक फन हिंट होता है, कम ऑन कम ऑन। इससे रिलेटेड क्या मतलब, यू विल देखो सी दिस इन अ लॉट ऑफ घोस्ट मूवीज, एल ले एल एल इज देयर इन घोस्ट मूवीज, हाँ नहीं इज इट एन ऑब्जेक्ट, आपको खाली ऐसे ऐसे यस करना है, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट थिंग, ए गुड गेस, ये क्या चार डालू मैं इस पास के बाद, क्या अरे दो जब मैम एक ए आता है लेटर ना दे दिए मैंने आपको सर, सी एन डी, मेरे को लगा सिंगुलर प्लूरल क्यों होगा, कैंडल्स का कैंडल, हे भगवान, मतलब यस सना मैम को देख लो बर्थडे नहीं बोला, सना मैम ने गोस्ट मूवीज बोला, जैसे गोस्ट में बड़े कैंडल लेके, हे भगवान बर्थडे नहीं बोल तो सकते गोस्ट कैंडल लेके ही तो जाते हैं ना, यू सी कैंडल्स मतलब विदाउट दैट हिंट यू वुडंट हैव गिवन द तो आंसर, आई आई एम सॉरी कैन टेल मैंने एक भी गलत नहीं किया देखा मैम आपका हिंट कितना मस्त, तालियां तालियां तो बनती है बॉस, वेल डन सर, वेल सना डन मैम वेल इज वेरी डन काइंड, थैंक गॉड सना मैम हमारी इज्जत बचा रही है, ओ गॉड। ओके सो अगेन आई एम गिविंग यू हिंट, मतलब मैं कुछ हाँ ज्यादा ही दयालु हो रही हूँ, बट दिस इज अ डेकोरेटिव आइटम दैट यू यूज इन दिवाली, बट देन देर आर लॉट ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू नैरो इट डाउन, ठीक है, ए ए बोल रहे हो आप, ए इज हियर, टी फिर पहले टी बोलो सर फिर बोलोगे, नो 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 टाइम आउट बोल रहा था, टाइम आउट टाइम आउट, समझो ना ओह गॉड, हाँ ई ई आर, वाह, थैंक ओह गॉड गॉड, मेरे को गॉट इट, हिंट, यू मेरे गॉट को इट, हिंट आपके पीछे से आ रही है असल में, आपके बैकग्राउंड से एन, और क्या बचा, एन तो दो है, दो है हाँ दो दो हाँ और एल, थैंक यस गॉड एल, हाँ ओह जान बच गॉड यार अब गई मैं हिंट नहीं दूंगी, नहीं नाउ द अरे नहीं आई थिंक द लास्ट वर्ड इज कमिंग, और अब हो गया, अब हिंट विंट कुछ नहीं नहीं नहीं, मतलब इस नो बार तो सना मैम नथिंग ठान के आई है फिर तो, मतलब अभी ओ भाई नथिंग गोना कम नाउ, ये तो आपको गेस करिए, अगेन इट इज वेरी प्रोमिनेंट, हर घर में मिलेगी आपको ये चीज इन दिवाली एंड दैट्स इट, अच्छा तो सुनिए ना, हम आपको पूछते हैं ना मैम ये, लेट्स प्ले लाइक ऐसे नो ना, आप खाली ऐसे या नो ऐसे करना, बस 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 आई प्रॉमिस यू, अब हो गया, अब दो टू टू आंसर्स आई हैव टोल्ड यू, मतलब ऐसा है कि आंसर ही बता दिया मैंने सर आपको, मैम अब इज नहीं मिले दिस पर्टेनिंग टू ईटिंग, मुझे लगा पक्का मैम ऐसे करेंगी यार, ओफो अच्छा ए, ओ गॉड करो सर, ट्राई करो, कीप ट्राइंग सर, अगेन ये, अच्छा ये इट्स लाइक हिंदी नेम आल्सो ऑफ दिस वर्ड, इज इट पर सब सब घरों में होती है, बहुत कॉमन है दिवाली के टाइम पे होती है, अच्छा मतलब कंपल्सरीली सब घरों में नहीं होती बट मोस्ट ऑफ घरों में होती है, इज इट पूजा कैटेगरी, डेकोरेशन कैटेगरी और ईटिंग कैटेगरी, अच्छा आई डोंट नो, एम एम फॉर मंकी, दैट एम एम ना मैंने एम तो बोला ही नहीं एम, न्यूजीलैंड सेड हाउ क्लेवर, मैं हाउ एन क्लेवर इज एन अमित, एन सोच रहा था, एन मैं सोच रहा था, सोचिए सर सोचिए,
एन है? नहीं, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो. अरे 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 ये क्या, आई एम नॉट टेट, आप बोलो एन करना है नहीं करना है. आई हिंदी वाली चीजें सोचो सर, हिंदी नाम सोचो कई सारी चीजों का, विच इज देयर, दिवाली में होती है, करते हैं. क्या करते हैं? बनाते हैं. आर अरे यार हम बनाते नहीं है सर, वी डू इट, वी हैव इट. आर यू आर सो क्लेवर, बुलवा लेते हो, मतलब मुंह से बुलवा लेते हो. दैट इज सो रॉन्ग बिकॉज एन फॉर नागपुर. अदर टीचर्स विल किल गॉड मी यार, हमारे साथ तो जी, इतना. ये इम्पॉसिबल था, ऐसे कैसे करने को. हाउ हेलो. कम एटलीस्ट कुछ लेटर्स तो गेस किया होता सर, दैट इज सो अरे बैड. किया ना मैम, आपका हिंट इज मोर इंटरेस्टिंग देन दिस यार ऑन एनी डे. हाँ आई मीन रंगोली, दैट थैंक गॉड हर घर में बनती है. करेक्ट करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हाँ, बनती है वेल बनती डन है. अमित सर, वेल डन वेल डन वेल डन फॉर गेसिंग ऑल द वर्ड्स करेक्टली विदाउट हैंगिंग द मैन. क्या बात है सर, आप तो जीत गए आज का चैलेंज. वेल डन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मजा आ गया. सो यस गाइस, आई होप आपने आज का ये दिवाली स्पेशल सेशन एंजॉय किया होगा और आपने भी सारे वर्ड्स करेक्टली गेस कर लिए होंगे. तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आप में से कितने लोगों ने करेक्टली पांचों के पांचों वर्ड्स गेस कर लिए थे बिफोर अमित सर. आई नो, ओके वापिस सर ने बहुत यस स्ट्रगल किया, सना मैम को बहुत विदाउट तंग माय किया, बहुत हिंट. तंग किया. पर सना मैम थैंक यू सो मच. सना मैम इज द स्वीटेस्ट मैथ्स टीचर एवर, सो थैंक यू सो मच. मैम अभी भी मन ओ बहुत कर रहा है, आप अगर कुछ पंजाबी में गा के सुना दो, पर लेकिन अभी नहीं हमने हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे. ठीक यार यू आर सो बैड, मतलब है. या यू आर मेकिंग मी बैड इन फ्रंट ऑफ नहीं स्टूडेंट्स नहीं यू, ठीक और है ठीक है सना ठीक है, कोई मैम ने बात नहीं नहीं किया. नहीं बट आई एम सुपर हैप्पी फाइनली टू कम ऑन मंडे फंडे. मैं वेट कर रहा था, मैं कब आऊंगा मंडे फंडे पे, एंड वो भी दिवाली के आप तो चीफ दिन. गेस्ट है सर, हम तो कब से आपके इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे अमित मजा आ सर. एंड गया. एंड दिवाली के व्हाई दिन लाइक सी हाउ चीफ गेस्ट यू आर फॉर अस, दैट फॉर दिवाली स्पेशल सेशन हमने रिजर्व करके रखा था कि अमित सर को इस दिन ही ही नहीं. देंगे. और मैम वी आर ऑल्सो ऑल कमिंग लाइव ऑन दिवाली, यंग वंडर्स की दिवाली पे, यस राइट? यस यस सुपर, यस, क्या बात तो है. डू वॉच दैट सेशन बच्चों, बहुत मजा आएगा, मिलकर हम एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. ऑल ऑसम, थैंक राइट सो यू यस, सो जल्दी से मच. कमेंट करके बताइए कि आप लोग आज दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो भी हम बताएंगे ऑन मंडे दिवाली स्पेशल सेशन. ऑल राइट पीपल, थैंक यू सो मच यंग वंडर्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन फॉर अवर डियर अमित सर, एंड थैंक यू सो मच अमित सर फॉर थैंक यू टेकिंग सो आउट मच योर टाइम, सना मैम. एंड इट वॉज सो मच फन. सो सी यू बाय ऑल, बाय एवरीबॉडी, बाय 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 गाइज. बाय.